बॉलीवुड के जाने माने निर्माता रॉनी स्क्रूवाला हर साल दर्शकों के लिए एक से बढ़कर एक फिल्में लेकर आ रहे हैं। जल्द ही रॉनी की नई फिल्म उरी भी रिलीज होने के लिए तैयार है। बीते दिनों ही इस फिल्म का टीजर सामने आया था, जिसे देखने के बाद हर किसी ने इस टीजर की जमकर तारीफ की थी। बता दें कि इस फिल्म में विकी कौशल और यामी गौतम जैसे कलाकार हैं और इस फिल्म की कहानी साल 2016 में उरी पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। कुछ देर पहले ही फिल्म के निर्माताओं ने इस फिल्म के ट्रेलर को भी रिलीज कर दिया है। आपको बता दें कि फिल्म में अहम किरदार निभा रहे विकी कौशल ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है। इस ट्रेलर को साझा करते हुए अभिनेता विकी कौशल ने कैप्शन में लिखा है, ये नया हिंदुस्तान है। फिल्म का ट्रेलर सामने आ चुका है। बात की जाए ट्रेलर की तो इसकी शुरुआत विकी के धमाकेदार डायलॉग से होती है, जिसमें उनका किरदार कहता है कि फर्ज और फर्जी में सिर्फ एक मात्रा का अंतर होता है। अगर मैं अपने देश और फौजी भाइयों के लिए आप नहीं लड़ा तो मैं अपनी ही नजरों में फर्जी बनकर रह जाऊंगा। सर आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, मैं अपने सिपाहियों को जिंदा और सही सलामत लेकर आऊंगा। इसके साथ ही ट्रेलर में और भी ऐसे डायलॉग्स हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। फिल्म में विकी कौशल और यामी गौतम के अलावा परेश रावल, कीर्ति कुल्हारी और मोहित रैना जैसे उम्दा कलाकार हैं। फिल्म के ट्रेलर में नजर आई इन कलाकारों की झलक से साफ नजर आता है कि इस फिल्म में सभी अपनी अदाकारी से चार चांद लगाने वाले हैं। विकी कौशल लगातार धमाकेदार फिल्में देते आ रहे हैं। हर एक फिल्म के साथ विकी अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख रहे हैं और उरी के ट्रेलर को देखने के बाद एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि इस फिल्म के जरिए भी विकी कौशल सभी को चौंकाने वाले हैं। बता दें कि फिल्म उरी 11 जनवरी 2019 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। तो उरी के इस ट्रेलर को अगर आपने देखा है तो उसके बारे में क्या है आपके ख्याल, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर अब तक आपने नौ प्रवाह लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नौ प्रवाह लाइव।